नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 48 सांसदों के साथ मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है, उनके लिए काम करो। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार का लक्ष्य गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्य मशीनरी की मदद के बिना इन योजनाओं का लाभ जनता को देना है। मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह गठबंधन मजबूरी में किया गया है। एक भी विपक्षी सांसद आपको इंडिया का मतलब नहीं बता सकता। करीब एक घंटे तक चली बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जितना संभव हो सके अपने संसदीय क्षेत्र में रहें। उन्होंने सांसदों को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सक्रिय तैयारी शुरू करने की सलाह भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे होने पर जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे लगातार आगे बढ़ाना है और पूरे जोश के साथ काम करना है, क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को पहले महाराष्ट्र भवन में उत्तर प्रदेश के काशी और अवध क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। क्लस्टर 3 बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह और अनुप्रिया पटेल और महेंद्रनाथ पांडे शामिल हुए। क्लस्टर 4 की दूसरी मीटिंग में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के सांसद मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और वी मुरलीधरन पांडे मौजूद रहे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।